थाना क्षेत्र दयालापुर अंतर्गत ग्राम जमलापट्टी नसीरपुर दलित बस्ती के 40 वर्षीय अरुण कुमार को पेड़ से बांधकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि सुबह लगभग 6 बजे उजागर हुआ है ये मामला, और जब ग्रामीण ने अपनी पेड़ से लटकी हुई लाश देखा तो परिवार सहित ग्रामीण में मातम छा गया है। मृतक की पत्नी और बेटी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की लापरवाही और ग्राम के प्रधान रामचंद्र यादव के कारण ये मृत्यु हुई है। बता दें कि हत्या यदि पुलिस ने पहले ही विवाद में कार्रवाई की होती, आज अरुण यादव जीवित होते। बता दें कि मृतक बड़े पुत्र जीविका उपार्जन के लिए घर से बाहर गए थे। आपसी विवाद को लेकर विपक्ष विनय ऋषि कुमार, पुत्रगण कमला प्रसाद, अजय विजय, पुत्रगण श्रीनाथ, मधु अनामी का पुत्र कमला प्रसाद ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। मौके पर जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित 4 थाने की फोर्स वहां पर पहुंच गई है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बता दें कि स्थानीय नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बलिराम गौतम, समाजसेवी रमेश मौर्य, मनमोहन मौर्य और भीम आर्मी, आजाद आर्मी, समाज पार्टी के नेता सुनील कुमार और समेत दर्जनों कार्यकर्ता ने घटना को सुनकर परिवार के साथ बने हुए हैं। गांव में कब मिली आपको लाश? आपके पति थे, कैसे क्या हुआ? सात बजे लाश मिली है। 4 बजे प्रधान बलग ने फोन कर दिया। गांव के प्रधान ने, कौन है प्रधान? रामचंद्र है, रामचंद्र। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये फोन करा बलग ने, और बाद में कांड कहीं ना है, और बाद हमें 7 बजे लाश मिली है जी। हाँ, है? बेटी है। कैसे क्या हुआ है? रात सुबह में फोन आया, उनको बुलाया गया है, प्रधान ने बुलाए थे, उस वजह कार्रवाई करने के लिए बुला रहे हैं, चले गए वो। उनको नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा उनके साथ। कार्यकर्ता है वो, प्रधान सिंगारी देवी है वो, रामचंद्र कार्यकर्ता है। हमारे बाप को मार के ऐसे कर दे। कोई दुश्मनी थी? कमला किसके घर से? कमला घर से। पुरानी रंजीत को लेकर यह मर्डर कर दिए लोग? 6 तारीख हमारा मुकदमा भी नहीं लिखा गया था। हमारा मुकदमा भाई यार, हमारा कुछ थाने बीमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या थाने वालों ने साथ नहीं दिया आपका? थाने वालों ने नहीं साथ दिया हमारा। हम लोग थाने पे गए थे भाई, थाने पे सुनवाई नहीं हो रही थी। जो जो जा रहा था उसको थाने में बैठा ले रहे थे, किसी को नहीं बाहर निकलने दे रहे थे। हमारा कुछ मुकदमा उकदमा एफआईआर कुछ नहीं दर्ज हुआ सर। पैसे ले लेके थाने वाले बस हम वैसे कर दे रहे थे। बॉडी लकी होने की सूचना मिली और उस पर लोकल पुलिस प्रशासन और जनपद स्तर के मैं और एसपी साहब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए उसके बाद ये जो बॉडी है वो निकला गया है, और पंचनामा प्रोसीजर है उसको करके उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए मेरे द्वारा आदेश किया गया है कि 3 सदस्य मेडिकल टीम द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो उसमें पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर इन्होंने, इनके परिवार वालों ने एक कैरिज भी देने की बात कह रहे हैं। तो कैरिज मिल जाएगा तो बहुत कठोर कार्रवाई होगी। जो भी इस घटना के पीछे है उनको कानून के सामने हम लोग खड़े करेंगे और कठोर से कठोर दंड प्राप्त कराएंगे। धन्यवाद।